है वो इन्होंने कुछ लोगों ने मीडिया वालों का और दंगी तलवारें लेकर जो है वो मारने की धमकी दी गई मीडिया वालों को। ये वही मीडिया है जिनकी वजह से आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिवस की छुट्टी की घोषणा हुई है। मीडिया फ्रेटरी के की रैली आ रही है यहाँ पर, अगर वो अपने हक मांग सकती है, अगर दूसरों के लड़ सकते हैं हक उनको दिला सकते हैं तो अपने हक भी लेने जानते हैं। खुद युवा राजपूत सभा के प्रधान कह चुके हैं कि अगर मीडिया का अहम रोल नहीं होता तो ये छुट्टी जो है वो कभी भी घोषित नहीं होती। और आज उसी मीडिया वालों को ये तलवारें दिखा रहे हैं। जब तक वो लोग सामने आके माफी नहीं मांगेंगे उन तलवारों को हमारे सामने नहीं झुकाएंगे, कोई मीडिया की रैली इनको कवर नहीं करेगी। हैप्पी यहाँ जो इनके प्रधान है युवा राजपूत सभा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कोई भी नंगे तलवारें हथियार लेकर नहीं चलेगा, कोई भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन नहीं करेगा। धड़ल्ले से ये घंटे से यहाँ पर वायलेशन करे, सिलेंसर ओपनली किए हुए हैं और लॉ ऑर्डर की गजिया यहाँ पर उड़ाई जा रही है। आप ये देखिए नंगी नंगी तलवारें लेकर जो है वो किस तरह से हवा में लहराई जा रही है, किस तरह से बुलेट के ऊपर जाके जो है वो किस तरह से फायर किए जा रहे हैं। कहाँ है जम्मू कश्मीर पुलिस? सुबह से लोग रो रहे हैं, उनके लिए रास्ता बंद है, सरेआम नंगी तलवारें लहराई जा रही हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस जो है वो बिल्कुल खामोश है। रोड ब्लॉक करे यार, रोड ब्लॉक करने से थोड़ा किसी का जन्मदिन मना सकते हो। लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे बाइक्स पड़ी है कि लोग परेशान है, लोग हरास हो रहे हैं, किसी को रोड बंद करके आप किसी का जन्मदिन किस तरह से मना सकते हो? यानी जिस मीडिया ने साथ दिया और कहते हो मीडिया मुर्दाबाद, तो ठीक है जनाब, अगर आप हमें आपकी जरूरत नहीं, आपको हम लोगों की जरूरत होगी। हम लोग आपकी आवाज उठाते हैं, हम अपने घर की आवाज नहीं उठा रहे थे, पूरे जम्मू की आवाज, डुगर प्रदेश की आवाज उठा रहे थे, तभी आपको छुट्टी मिली है। सामने सामने जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने किस तरह से नंगी तलवारें जो है वहाँ पर लहराई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई हादसा होता है, किसी व्यक्ति अगर मौत हो जाती है, इसका जिम्मेवार कौन होगा? क्या युवा राजपूत सभा क्या जिम्मेवारी लेगी अगर कोई बड़ा हादसा होता है? यहाँ पे सुबह से मीडिया जिनको ये आज तलवारें दिखा रहे हैं, सुबह से मीडिया 8 बजे से यहाँ पे कवर कर रही है। आधा शहर जम्मू जो है बंद है, लेकिन हम सब साथ हैं, हम सब साथ हैं, क्योंकि हम भी महाराजा हरि सिंह जी की जम्मू कश्मीर की रियासत में रहते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है उनको कवर करना, उनकी बात को प्रशासन तक पहुंचाना। क्योंकि जब युवा राजपूत सभा के लोगों को पुलिस उठाकर पुलिस लाइन में ले गई थी रात को 11 बजे, और वो मीडिया ही था जो रात को 11 बजे वहां पर पहुंचा था, और अगर एक फोन वो हमें कॉल करते थे, ये हमारा फर्ज था उनकी कवरेज दिखाना, हम वहां पहुंचते थे। लेकिन आज अगर इस तरह से होगा, पहले राजन सिंह हैप्पी जो है वो ये साफ करें कि क्या आप मीडिया के लोगों को धमकी देंगे? अकेले अकेले वो देखेंगे तलवारें निकली, हुआ क्या, घर चले गए। मेहनत क्या होती है शायद इन लोगों को पता नहीं है, मेहनत इनको पता नहीं, तभी इन्होंने ये हरकत की है। ताकि ये जरूर कहेंगे हम युवा राजपूत सभा के प्रधान से फोटो है, फोटोग्राफ भी है, और आप लोग मीडिया को धमकी देते हो अलग अलग चैनल्स के लोगों को आइडेंटिफाई करके, ये धमकी देते हो तलवारों के बलबूते पे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म होनी चाहिए आपको। पुलिस ने कहा कि हमारे एक रिटर्न में कंप्लेंट दे दो जो भी कसूरवार होंगे, क्योंकि फोटोग्राफ हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है। जब तक ये लोग माफी नहीं मांगते, अपोलोजाइज नहीं करते, एक महिला पत्रकार के साथ उसने सिंपली बोला, उसने बोला ये नई चीजें अच्छी होती है, नहीं करनी चाहिए, और आप लोग तलवारें निकाल देते हो, ये सिखाया आप लोगों को, ये संस्कार है? क्योंकि मीडिया का भी बहुत बड़ा योगदान है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी लेने में, बकायदा युवा राजपूत सभा का, तमाम सभाओं का, तमाम जम्मू वासियों का, तमाम डोगरा का इसमें जो अहम रोल है। भाई मुझे तो तलवार लेके उधर तक ले गए, अगर पुलिस कर्मी नहीं मौजूद होते शायद से मेरे को तलवार मार गया था। ने अपने कंधों पर उठाकर आगे पहुंचाया है, और जब जश्न की बारी आती है तो आप हमें इस तरह से ट्रीट करेंगे, क्या ये तरीका है? लड़का है वहाँ पे, गगन है हमारे साथ में, उनको मारा गया, विशाल भैया है उनको मारा गया, लिटरली तलवार निकाली गई, और तलवार निकाल के ऐसे दिखाया जा रहा है कि नहीं भैया देख लीजिए हमारे पास तलवार है, तलवारों का, अरे आपके पास तलवार है, हमारे पास माइक है, बट हमारे पास सिर्फ माइक ही है, और वो भी हम आपके लिए उठा रहे हैं, क्योंकि आपको सिर्फ आपको छुट्टी नहीं चाहिए थी, हम लोगों को छुट्टी चाहिए थी, और मैंने लिटरली जाके सिर्फ इतनी सी बात बोली थी कि प्लीज इसको मत, मतलब ये जो पटाखे फटा रहे हैं इसको मत कीजिए, और एक साथ बहुत सारी बुलेट्स आई थी, और एक साथ बहुत सारी बुलेट जब आई थी तो कहीं ना कहीं हमने उनको बोला कि प्लीज ये सब मत करिए, एक साथ सुनने से प्रॉब्लम हो रही है। ताने के एक लड़का आया, आपने हमको गालियां निकाली और शुरू हो गए, और उसके बाद जितनी मीडिया वाले वहां पे खड़े थे सबके ऊपर तलवारें निकाल रहे हैं, गालियां निकाल रहे हैं, मीडिया मुर्दाबाद ऊपर जो खड़े हैं, मीडिया मुर्दाबाद किस बात का मीडिया मुर्दाबाद? तुम्हें चरण तो इधर ही है वो कट, क्योंकि जो तुम्हें सारा साथ देते थे आज शरारती तत्व हुआ नहीं है, तुम तो सारा रिश्ता खराब करा था। मैं एक रत्ती नहीं है और जनिया स्टेट लाइन लाइन ठीक है, मैं सारी कुड़ियों को मैं तुम्हें सुना कि तुम्हें साड़ी भैन है अज अगर छुट्टी थी है कोई माई दे लाल का जोर नहीं है जिन्ना मीडिया का जोर है। सारे को आवाज बनी है इस गल की सेंटर तक पहुंचाया अज उस मीडिया की गोदी मीडिया आखी गया,
भी सुना वा जेडे टीवी बिच मीडिया चैनल चलते ना तो अहें लभे ना उन्हें दिखिया ठीक है मेरा तुहें भरा साथ दिता यार मैं तुंदे कने मैं आ जिन्हें तुंदे कने बदतमीजी की उन्हें मेरे ने की कुहा ने की जम्मू की सियासत दाने की खट्टा थले सफाई करी ओड़ी है लेकिन मैं निकलना मैं अज भी सुना वा शायद मैं कल इसे चीज पर इस्तीफा ले लिया अगर मीडिया वाले अज उत्थे नहीं गए ना तो मैं जाना रश्मि जी सच च बड़ी ताकत होंगी है तुम लोग सच का साथ दिते दा अगर मी 18 दिन दाड़े बजे या के बजे समझ लो एक दिन तुम्हें भी मेरे पिछले दाड़े बजे क्योंकि ये जी सारी कार्रवाई हो रही है ये तुम लोग अच्छी तरह जान दो बिल्कुल कार्रवाई होगी जब तक वो आपके पास मीडिया बोलेगी देख सकते हैं कि हरप्रीत सिंह जी युवा रायपुर सभा के मरदान यहाँ पर पहुंचे हैं मीडिया से।